तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हम रेजिस्टेंस कर रहे थे। रेजिस्टेंस की जो सर्किट के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वही आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कौन सा सर्किट के अंदर, ठीक है, सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा होगा उसके बारे में जानेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सारे अगर जो वीडियो आप स्किप करेंगे तो फिर आपको बहुत ही दिक्कतें आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, लेते हैं जल्दी से पहला क्वेश्चन हम। तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अरे, हमारा मार्कर तो गिर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, उठा लेता हूँ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज के लिए, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको, डायग्राम में बनाता हूँ, तब तक के लिए मैं करता हूँ वीडियो को पॉज। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन में है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो हमें इस दो जंक्शन के बीच में, ठीक है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो आपको इस दिए गए सीरीज में, इसमें आपको पता करना है पैरेलल और सीरीज में, यानी कि आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो देखिए, बहुत ही आसान सा है ये, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वीडियो पे आप जब ध्यान देंगे तो देखेंगे, जब करंट यहाँ से फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ से दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो जब दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक वायर है, एक ये वायर है, यानी कि ये जो वायर गई है सेम यहाँ पे। तो आप जब देखेंगे ये वायर और ये वायर सेम एक ही वायर में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यानी कि ये दोनों क्या में, ये दोनों सीरीज में है। तो आपको सीरीज का पता है, ठीक है, आपको सीरीज का पता है। जब जब कोई चीज़ सीरीज में रहता है, ठीक है, तो हम उसके रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो ये दोनों के रेजिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जब दो और दो है, आपको पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, R1 + R2 होता है। तो यहाँ पे दो और दो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मिटा देंगे। अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है गाइस, हमारे पास कितना का रेजिस्टेंस आ गया, 4 का रेजिस्टेंस आ गया। तो ये हमारा 4 हो गया। तो अब देखिए, हमारा सर्किट अलग था, अब हमारा सर्किट ऐसा बन गया। अब बहुत ही सिंपल है, अब आपको पैरेलल कनेक्शन में दिखाई दे रहा था, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो आपके सामने आप देखेंगे कि ये 4 है पैरेलल में, ये 4 है पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 1 R इक्विवेलेंट = 1 R1 + 1 R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू 1/4 + 1/4। ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2/4, यानी कि 1/2। तो R इक्विवेलेंट आपके पास, ठीक है, तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2, यानी कि इस पूरे सर्किट में 2 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब इसके बीच में ये रेजिस्टेंस आ रहा है, पहले हमने स्टार्टिंग में ये वाला किया था, बट अब देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की अप्रोच वैसे ही रहेगी, बस ये क्वेश्चन आपको लेंथी करने के लिए ऐसा दे दिया गया है। तो जब आप जब भी यहाँ पे फिगर सॉल्व करेंगे, जब भी आप रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो उसे तोड़ तोड़ के करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिएगा, जब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम का दिया, यहाँ 4 ओम पे दिया, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जब क्रॉस करेगी तो यहाँ पे 3 पार्ट में अब बटने लगेगी। ठीक है, तो आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस को जितना हो सके आप उतना आसान बनाने की कोशिश करिए। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप इसे करेंगे तो जैसा कि हमने बताया था, ये दोनों को आप ऐड कर देंगे। देखिए, ये दोनों एक ही वायर के साथ जॉइंट है, ये दोनों रेजिस्टेंस, जब दोनों वायर के साथ एक ही से के साथ जॉइंट है तो ये है 4, ये है 4। तो सीरीज में आपको पता है R1 + R2, यानी कि दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 8 का। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब आपके पास रेजिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, अब आपके पास रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम की रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है, अब इसे भी हम जब देखेंगे, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हम इसे भी मिटा देते हैं, इसे भी हम कर लेंगे। कितना, जितना सर्किट को आप छोटा करते जाएंगे उतना आपका आपके लिए आसान रहेगा। तो अब आपके पास इधर भी आ गया कितना,
एक 8 ओम की रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। जब दोनों 8-8 ओम की रेजिस्टेंस आपके पास आ गई है, तो अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज आपको पैरेलल में दिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस 8 ओम और ये 4 4 और ये 8, ठीक है, ये हमारे पास बच गए। जब आप देखेंगे ये दोनों भी एक ही लाइन में है, ठीक है, ये दोनों भी एक ही लाइन में है, तो ये भी क्या में होगी, ये भी सीरीज में होगी। तो 4 4 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब आप देखेंगे तो मतलब आपके पास अब बस एक और रेजिस्टेंस बस बचता है आपके पास 8 ओम की, ठीक है। तो अब देखेंगे बहुत ही ईजी हो गया, अब तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि अब आपकी आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट अब आपको निकालना, तो देखेंगे पैरेलल में यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे आपकी 1/R इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लिखना है, 1/8 + 1/8 + 1/8, ठीक है। अब जब आप इसकी एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, यानी कि 3/8। जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, उल्टा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 8/3 ओम। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास कितना, 8/3 ओम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह की क्वेश्चन और देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आप सीबीएसई के एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, आपको आपने प्रैक्टिस जरूर की होगी। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए कि किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 6 ओम दी गई है, ये भी 6 ओम दी गई है, ये भी 6 ओम दी गई है, ठीक है। यानी कि अब आपको इस सर्किट के बीच में आपको निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका है, ठीक है। ये पॉइंट ए बी है, ये पॉइंट ए है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं आपको हम बताते हैं, थोड़ा डिटेलली बताते हैं। तो देखिए इसमें जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसको लेकर के हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रेच करते हैं। तो इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये किस तरह से बन जाता है वो देखिए। आप यहाँ पे जब ध्यान देंगे, हमने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस के बाहर से जो वायर कनेक्टेड रहती है अगर जो, तो वो रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देती है। बट देखिए ये वायर जो कनेक्टेड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है, बट एक और वायर इसके बीच से कनेक्टेड, इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और ये जो यहाँ पे जुड़ा है, ये यहाँ पे जुड़ता है, तो हम इस रेजिस्टेंस को नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहीं से, अब इलेक्ट्रिसिटी यहीं से फॉलो हो जाएगी, यहीं से फ्लो हो जाएगी। बट यहाँ पे एक और दिया गया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी उसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसे स्ट्रेच करते हैं ना, तो सिंपल एक सीरीज है, ये सिमेट्री है, उसके ऊपर बैठता है। तो वो सिमेट्री किस तरह के आप यहाँ पे देखिए, तो ये जब सिमेट्री बैठता है ना दोस्तों, तो ये बैठता है कुछ इस तरह से, जस्ट ये सिंपल सा बन के आएगा आपके पास। जब ये सिमेट्री है, ये दोस्तों ऐसा ही बनता है, इसे स्ट्रेच करने के बाद इसे ऐसा खींचा जाता है, ये क्या होता है, ये वाला उधर चला जाता है और ये वाला खींचा करके इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब सारे चीज़ जो आएंगे आपके पास पैरेलल में चिपक जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल में। अब जब देखेंगे, जब दो रेजिस्टेंस को दो ब्रैकेट से घेरा गया, ठीक है, यहाँ वाली रेजिस्टेंस को यहाँ से घेरा गया, तो आप उस सिचुएशन में जस्ट पैरेलल कम्बिनेशन लगा देंगे, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन अब लगा दिए हैं, अब आपको जस्ट सॉल्व करनी है। यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या होती है आपको पता है दोस्तों, 1/R1 + 1/R2, यानी कि 1/6 + 1/6 + 1/6, यानी कि 3/6, ठीक है, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट = 3/6, ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालनी है, क्या निकालिए, आर इक्विवेलेंट, तो आपको इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 ओम सारे सर्किट के थ्रू करंट पास होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, एक और क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, इसे आप इसके आंसर निकाल करके आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट के आंसर निकाल के हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अगर जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है दोस्तों, समझ लीजिए कि आप अभी तक मैंने आपको जितना कंसेप्ट दिया है वो कंसेप्ट आपने जान लिया है, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम जरूर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ से ये प्लस ये है माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है।
तो आपको इस गिवन सर्किट में आर इक्विवेलेंस निकालना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू द कर सर्किट। इस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना है, हमें क्या फॉलो, कौन सा अप्रोच यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो देखिए यहाँ पे दो हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी बट गई, ठीक है। तो ये जब हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, तो आप देखेंगे इसमें इस तरह के क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म यानी कि कहाँ से आप सीरीज, यानी कि कहाँ से आप किसी भी सर्किट को खत्म कर पा रहे हैं। तो आप जब देखेंगे कि ये एक ही वायर है, ठीक है, ये वायर जो है ये एक ही वायर है, तो ये दो वाली वायर, ये वायर, ये वायर, सबकी डायरेक्शन एक ही साइड है, यानी कि एक ही वायर में ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए। तो क्यों ना हम ये तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बना दें। तो जब हम तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो आप यहाँ पे जब देखेंगे दो दो दो, ठीक है, दो दो दो, तो यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी कि R1 + R2 + R3, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, और क्या करेंगे, एक नया रेजिस्टेंस बना देंगे। अब जब नया रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हमारा अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, हमने इसकी काम कर दी, क्या हमने इसकी काम कर दी तमाम, ठीक है गाइस। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 6 ओम की रेजिस्टेंस बन गई। अब जब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये किस तरह से बनेगा, चलिए मैं आप इसको अब इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। चलिए सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, उम्मीद है आप समझ ही पा रहे हो। चलिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस, ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो देखिए इस तरह की अब ये बन गई, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया 2 ओम, इसका 2 ओम, इसका 6, इसका 6। तो अब आप इसी तरह का ही है, देख लीजिए, आप ध्यान दे दीजिए। तो ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, तो चलिए समझ गए तो ठीक है, लेकिन उम्मीद, मुझे उम्मीद था कि आप यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 और 6 ये पैरेलल में है, जब दोनों पैरेलल में है तो 1/6 + 1/6 यानी कि 2/6। तो इसे हम क्या करेंगे, अब ये तो सीरीज में इसे रहने देते, ये पैरेलल में जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 1/6 + 1/6, 1/r लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/6 आएगा, यानी कि 3, 2 3 = 6, ठीक है, यानी कि r की वैल्यू आपके कितने आ गई, 3 आ गई, ठीक है। r की वैल्यू कितने आ गई, 3 आ गई आपके पास। जब r की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, यानी कि अब ये इसका भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया, इसकी भी काम क्या हो गई दोस्तों, इसका भी काम अब खत्म। अब यहाँ पे आ गया एक और रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 3 ओम, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। हमने इसकी जगह कितना ले लिया, हमने इसका जगह ले लिया 3 ओम। अब देखिए ये तीनों एक ही वायर के साथ कनेक्टेड, यानी कि सीरीज में है, तो 2 + 3 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, यानी कि 7 ओम इस क्वेश्चन की आंसर होगी, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 7 ओम, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों बस रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही, वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं देखूँ कि आपको कितने अच्छे से वो समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक और चैनल का, वहाँ से करंट अफेयर जी के आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और मैंने सारे चैप्टर की टॉप 30 क्वेश्चन करा रखी है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हम इतना ही रहने देते हैं, अब आपको कैपेसिटर मैं बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उस टाइम करवा लूंगा। जब देखिए सर्किट यही है, ठीक है, सर्किट यही रहेगा आपके पास, बस जो कैपेसिटर होगा रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर होगा, तो आप कैपेसिटर वाला फार्मूला लगाएंगे, उल्टा कर लेंगे, अब आगे से हम थ्योरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, मजा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए ऑल द बेस्ट।